सोलन शहर जिसका नाम माता शूलनी के नाम पर पड़ा है, उन शूलनी माता पर सभी शहरवासियों की भारी आस्था है। लोगों का मानना है कि शूलनी माता के आशीर्वाद के कारण सोलन में कोई भी आपदा और विपदा नहीं आती है। सोलन में प्रत्येक वर्ष जून माह के अंत में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शूलनी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु लोग भाग लेते हैं। इस मेले के दौरान माता शूलनी की शोभा यात्रा निकाली जाती है और माँ शूलनी अपनी बहन से मिलने गंज बाजार स्थित मंदिर में जाती है। तीसरे दिन माता अपने मंदिर में दोबारा विराजमान होती हैं। बाजारों में 3 दिनों तक दिन रात भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते मेले का आयोजन नहीं हो पाएगा। वहीं जिला प्रशासन योजना बना रहा है कि माता की शोभा यात्रा किस तरह निकाली जा सकती है, ये जानकारी उपायुक्त सोलन केसी चमन ने दी। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि कोरोना संकट के चलते इस बार शूलनी मेले का आयोजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे माता शूलनी की शोभा यात्रा को निकालने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसके चलते वे शूलनी मेला प्रबंधन कमेटी के साथ मिलकर बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि माता शूलनी की शोभा यात्रा किस तरह निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि शादियों में 50 और मृत्यु पर 20 लोगों की ही अनुमति दी जा रही है, ऐसे में शोभा यात्रा में कितने लोगों की संख्या हो सकती है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है और प्रदेश सरकार से 8 तारीख को आने वाले निर्देशों का भी इंतजार किया जा रहा है, जिसको आधार मानकर ही आगे की योजना बनाई जा सकेगी। सोलन में नहीं होगा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मेला, केवल निकाली जाएगी शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में माता की डोली उठाने के लिए कुछ लोग ही शामिल हो पाएंगे। वहीं शहरवासी इस बार दूर से ही माता के दर्शन कर पाएंगे। पूजा पाठ की जितनी भी परंपराएं और विधि विधान है पहले की तरह ही निभाए जाएंगे, उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। सोलन में शूलनी माता की शोभा यात्रा जब निकाली जाएगी उसे सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया जाएगा। ये इतिहास में पहली बार होगा जब भक्त उनका आशीर्वाद डिजिटल माध्यम से ही कर पाएंगे। सोलन शहर में इस बार भंडारों का आयोजन नहीं हो पाएगा। जिला प्रशासन इस बार किसी को भी भंडारे लगाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं कर सकता है। माता शूलनी की शोभा यात्रा में जहाँ एक और माता के दर्शन लाइव होंगे, उसी प्रकार से अगर माता के चरणों में अगर कोई भक्त चढ़ावा चढ़ाना चाहता है तो वे ऑनलाइन दान कर सकेगा। इस विषय पर भी जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। जो MHA की गाइडलाइंस है ना, उसमें दो प्रकार के सम्मेलन पे ही है, एक तो डेथ के ऊपर 20 आदमी और शादी ना 50 आदमी की परमिशन है, इसके अलावा कोई परमिशन नहीं है। किसी भी समारोह में इकट्ठा नहीं हो सकते, धार्मिक स्थलों संगठनों में अभी तक कुछ नहीं है, 30 जून तक लॉकडाउन है। इस दौरान अभी हमारे माँ शूलनी का भी मेला प्रस्तावित है जो अपने तीसरे हफ्ता के आखिरी संडे को तक होता है, तो इसमें अभी हमारी बैठक होगी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार से भी एक SOP आना है मंदिर में जो खुलेंगे 8 जून से, कि SOP आना किस ढंग से खुलेंगे उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे, उसमें क्या क्या प्रावधान रहेगा उसके तहत हम शूलनी ट्रस्ट की बैठक करेंगे और उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि माँ की इस जो शूलनी मेला है, मेला तो होगा नहीं ये जाहिर है, तो जो रिचुअल्स माँ के हैं उसको किस ढंग से पूरा करना है और सोशल डिस्टेंसिंग और बिना किसी क्राउडिंग के। सर क्या कहना चाहेंगे कि धैर्य रखने की जरूरत है? धैर्य क्या, बस ये है कि आज मैं उसमें बार बार ये कह रहा हूँ कि कोरोना से अब जो है बचने का उपाय वह आपके हाथ में है। धैर्य कि आप भीड़ भाड़े इलाके में कम आओ, माँ की जो ये यात्रा है उसको देखते हैं हम कैसे निकालेंगे, आपके सामने ही होगा और बाकायदा हम आपको ये सारा जो प्रस्तावना होगी उसकी सूचना हर आदमी तक पहुंचाएंगे और जो भी धार्मिक अनुष्ठान इसमें आवश्यक है माँ के लिए वो अवश्य किया जाएगा। तो क्या उम्मीद झांकी नहीं निकलेगी माँ की, वो देखेंगे अब ट्रस्ट का डिसीजन है, ये बैठक डिसीजन होगा जो अध्यक्ष होंगे इसमें और उसमें बैठक में इसमें डिसाइड करेंगे क्या प्रस्तावना होगी और इसमें हम शीघ्र ही इसमें निर्णय लेंगे।